कैसे हैं आप सब। मैं नीतू और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं कैबेज मंचूरियन। देख सकते हैं कैबेज मंचूरियन हमारे कितने अच्छे से बना है। और देखिए यह मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कितना मुलायम है। देखिए तो चलिए हम कैबेज मंचूरियन को बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक पत्ता गोभी। मेरे पास गाजर अवेलेबल था तो मैंने एक गाजर भी ले लिया। उसके बाद हमारे पास एक शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर लेंगे। और ये दो है प्याज, पत्ते वाली प्याज जिसको बोलते हैं, वो वाली प्याज। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाने के लिए तैयारी शुरू करते हैं। हमने हमारे पत्ता गोभी और गाजर को अच्छे से घिस लिया है, तो अब हम चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले गाजर ऐड करेंगे। बाद इसमें हम अपने टेस्ट अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मसाला, यहाँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें हम थोड़ा 2-3 चम्मच मैदा, कॉर्न स्टार्च मतलब कॉर्न फ्लोर, इन सब चीजों को ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि हम आटा मिलाते हैं, आटा गूंथते हैं, उसी तरह से हम इसको तैयार करेंगे। इसको हम इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें मैदा डालने से इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है और कॉर्नफ्लोर डालने से ये क्रिस्पी होते हैं। तो अभी हमारा ये और अच्छे से मिलाना है। चलिए हम इसको पहले मिला लेते हैं। तो हमारा ये बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। कुछ इस तरह की बॉल्स, इसको जिस तरह से हम लड्डू बांधते हैं उस तरह से गोल गोल करके हम इसकी बॉल बनाएंगे छोटी छोटी। देख सकते हैं आप कितने आसानी से हो जा रहा है। जब तक हम अपनी सभी बॉल्स को बनाते हैं तब तक हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। चलिए हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसको गैस पे चढ़ा देते हैं और इसमें हम तेल ऐड कर लेते हैं। तब तक हमारा सभी मंचूरियन तैयार होगा, तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। इतना तेल ले कि हमारी सभी बॉल्स इसमें अच्छे से आ जाए और अच्छे से फ्राई हो सके। तो हमारी सभी बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। फिर हम एक एक करके अपनी बॉल्स को ऐड कर देंगे। और हम इसको धीमी आंच पर फ्राई होने देंगे, नहीं तो हमारे कैबेज मंचूरियन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इनको हो जाने देते हैं एक साइड से, अच्छे से कम आंच पर पकाएंगे, नहीं तो ये हमारा अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये हमारा एक तरफ से अच्छे से पक चुका है। चलिए हम इसको चेक कर ले पलट देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी हो सके। अब देख सकते हैं कितने अच्छे से एक साइड से हो चुका है। इसको धीमी आंच से पकाने से हमारा ये पूरा अंदर तक हो जाएगा, नहीं तो ये अगर हम लोग इसको तेज आंच पर जल्दी करेंगे तो ये बीच में से कच्चा रह सकता है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये कितने अच्छे से पक चुका है। हम इसको निकाल लेते हैं और एक टिश्यू पेपर पर रख लेते हैं ताकि इसका एक्सेस निकल सके। देखिए हम
हमारी सभी मंचूरियन बहुत बहुत अच्छे से सिक चुकी है और तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हम इसको आगे प्रोसेस करने चलते हैं। हम एक कढ़ाई चाहिए, उसमें हमने तेल गरम किया है, एक बड़ा चम्मच तेल है। इसमें हम सबसे पहले अपना स्प्रिंग वाइट ऑनियन डालेंगे, ऐड करेंगे। एक शिमला मिर्च, ये दो तीन हमारी हरी मिर्च है, इसको हमने ऐसे लंबी लंबी कट कर लिया है। और एक चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको जब तक मिक्स तक हमारा हल्का सा प्याज मुलायम ना हो जाए। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च और भी डाल सकते हैं, रेड कलर की आती है, येलो कलर की आती है, पर इस टाइम मेरे पास सिर्फ ग्रीन कलर की अवेलेबल थी, तो मैंने ग्रीन कलर की ही ऐड की है। हम इसको थोड़ा प्याज को मुलायम होने तक हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हमारा ये मसाला और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। और अच्छे से चला देंगे इसको। हमारा प्याज भी हल्का सा मुलायम हो चुका है और हम इसको तेज ही आंच पे बनाएं, क्योंकि हमारा चाइनीज रेसिपी तेज आंच पे ही बनता है। और दो मिनट जब हमारा मसाला अच्छे से भुज जाए, देखिए हमारे मसाले में तेल भी छोड़ दिया, इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच सोया सॉस। इसलिए हमने नमक कम डाला था, क्योंकि सोया सॉस डालने से इसका जो नमक का टेस्ट है वो तेज हो जाता है। इसमें हम टमाटो केचप ऐड करेंगे और अच्छे से चला लेंगे। फिर हम इसमें ये थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च हमारा एक चम्मच बड़ी चम्मच से, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम कॉर्न स्टार्च का पेस्ट इसलिए डालते हैं ताकि इसकी बाइंडिंग जो है अच्छे से हो जाए। एक सेकंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा पानी को खदक जाने देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कैसे तैयार हो रही है थोड़ा सा इसको पकने के बाद। हमारा ये ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है, इसमें हम अपनी सभी मंचूरियन बॉल को ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा मंचूरियन तैयार हो चुका है। तो हमारा मंचूरियन तैयार हो चुका है और इसमें हम ये ग्रीन पत्ते को ऐड कर देंगे और सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा वेज मंचूरियन तैयार हो चुका है। अब आप कमेंट करके बताइएगा मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर, मेरी वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।